पुणे के पार्वती विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव का असर देखने लगा है। यहां से भाजपा ने 3 बार की विधायक रही माधुरी मिसाल को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं एनसीपी शरद पवार ने 2019 के उम्मीदवार अश्विनी कदम पर एक बार फिर विश्वास जाहिर कर पार्वती विधानसभा से प्रत्याशी जो है उनको बनाया है। इस चुनाव को लेकर माधुरी मिसाल से विशेष बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। पर्वती विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक और चौथी बार चुनावी मैदान में आई हुई माधुरी मिसाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, चौथी बार आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं अपनी जनता को कुछ कहती नहीं हूँ। 5 साल में या पिछले 15 साल में मैंने उनके लिए जो काम किया है उनका मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, तो वो मुझे जिता के देते हैं, वो मेरा काम देखते हैं। हम ये जानना चाहेंगे, कुछ कार्य के बारे में आप हमें जानकारी देंगे कि बीते सालों में 15 साल आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, तो क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? मेट्रो के 2 लाइन मेरे यहाँ चालू हो गए, स्वारगेट कातरस और खड़कवासला खराड़ी, वो अभी इसमें है। स्वारगेट कातरस का काम चालू होगा। मॉडल हब, जो मल्टी मॉडल हब जो ट्रांसपोर्ट का है, वो मेरे यहाँ बन रहा है। 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाया है, बहुत सारे स्मार्ट रोड बनाए हैं, ब्रिजेस है, अंडरपासेस है। सो ये तो मैं, कलाग्राम है, चिल्ड्रन पार्क है, तो ये सब मैं बड़े 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 प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ। और जो बस्ती, मेरे वहाँ बस्ती भाग बहुत है, सेवा बस्ती बहुत है, तो वहाँ अभी के 2 साल में कम से कम 400 काम अभी चल रहे, 200 काम कंप्लीट हो गए, जो रास्ते, ड्रेनेज जो करना चाहिए, वो जो मेरा कर्तव्य है, तो वो काम इतने जोर से चल रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या विशेष कार्य हुए आपके क्षेत्र में? महिलाओं के लिए अभी आपको तो मालूम है, हमारे सरकार ने उनके लिए इतने काम किए हैं। तो लाड़की बहन योजना का तो आपको मालूम है कि हर एक महिला को जो 1,500 रुपये आता है, और अभी तो सब विरोधी पक्ष बोल रहा है कि नहीं, योजना बंद होगी, ये होगी, लेकिन नहीं, नवंबर का पैसा भी अभी महिलाओं को आ गया है, तो उनको विश्वास हो गया है। यही एक योजना है जिसका पैसा डायरेक्टली महिलाओं के खातों में आ गया। ये थे हमारे साथ पर्वती विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी माधुरी मिसाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी जनता से ये कहा है कि इस बार का जो चुनाव है महत्वपूर्ण है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कैसे वोटिंग बने, उसके लिए कार्यकर्ता को काम करना है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD News, पुणे।